मामा ये लो भाई, ये है सुंबुल तौकीर और उल्का गुप्ता भाई। इनकी फ्रेंडशिप आप सबको पता है कि कितनी पक्की वाली है। मतलब ये दोनों अगर हम कहें कि बेस्टीज हैं तो उसमें कोई डाउट नहीं होगा। सुंबुल कार से उतरती हैं और उल्का का कहना है, मैडम प्लीज़ इस पोस्चर से फ़ोटो, उस पोस्चर से फ़ोटो। मतलब जैसे पैप्स करते हैं सुंबुल तौकीर के साथ, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर सुंबुल निकलती हैं बाहर तो मतलब पैप्स तो उनको घेरते ही हैं। पैप्स को भी पता है कि सुंबुल तौकीर अब एक बहुत बड़ी स्टार बन चुकी हैं, तो भाई उनको फॉलो करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से सुंबुल और उल्का की दोस्ती बहुत ही शानदार वाली हमें नज़र आती है और दोनों एक साथ रहती हैं, काफ़ी खुश नज़र आती हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि मैं फ़मान खान के लास्ट शूट की जो वीडियो है वो ज़रूर शेयर करूंगी। कृष्ण मोहिनी के सेट से जो लास्ट वीडियो आई है आप देखिए और आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला है, क्योंकि पूरी जो स्टार कास्ट है सब ने एक जैसे कपड़े पहन रखे हैं, जेंट्स ने एक जैसे पहन रखे हैं और जितनी गर्ल्स एंड लेडीज़ हैं उन्होंने एक कलर के पहन रखे हैं और बहुत प्यारे सभी लग रहे हैं। फ़मान खान आप सबको नज़र आ रहा होगा लास्ट में बेबी को लिए हुए हैं गोद में, तो ये सारी चीज़ें फ़मान खान की हमें नज़र आ रही हैं। और ये अब लास्ट शूट था और कृष्ण मोहिनी का ये जो सफ़र था बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन बहुत छोटा था और बहुत जल्द ख़त्म हो गया। बस अब हम उम्मीद करेंगे कि आगे हम फ़मान खान को कहाँ देख सकते हैं और फ़मान खान को अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले जहाँ पे उनको अपनी जो टैलेंट है, उनका जो एक्टिंग है वो दिखाने का पूरा पूरा मौका मिले। तो आप लिखिएगा कि आप फ़मान को कितना मिस करने वाले हैं उनके सेट से, उनके शूट से, और पर्सनली उनको जिस तरीके से जब शूट चल रहा होता है तो उनकी पीआर ही अगर कहती है, उनकी जो मैनेजिंग टीम है अगर वही कहती है कि भाई आप एक्टिव रहो सोशल मीडिया पे, तो इसी बहाने फ़मान एक्टिव तो रहते थे। अब शूट ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो अब वापस से फ़मान बहुत कम नज़र आने वाले हैं। तो आप अपनी राय लिखिएगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।